का हलवा बनाना सिखा रही हूँ। तो आज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास गाजर बहुत ज़्यादा है और मसला ये है कि आज ये है कि आज हमारे घर में दावत है, तो मैं आप लोग कम गाजर में बनाइएगा। तो मेरे तो यहाँ पे दावत है तो मैंने ज़्यादा गाजर लिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 किलो गाजर लिए थे, सब कट कटा के ये 3 किलो मेरे पास ये गाजर बची हुई है। यहाँ पे मैंने अदरक 1 पाव पाउडर मिर्च लिया हुआ है, चीनी मैंने ज़्यादा इसमें 1 कप आपको नज़र आ रही है, लेकिन चीनी हसबे जायका जो आप जितनी फ्लेवर पसंद करें। इसके अलावा घी लिया है, देसी घी लिया हुआ है, आप कोई भी घी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने ज़ाफ़रानी एसेंस लिया हुआ है, और एक ज़ाफ़रान जो है वो दूध में मिला के डालना होता है, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैं ये दूध में ज़ाफ़रानी एसेंस मिला के और डाल दूँगी। ठीक है, अच्छा अब मैंने यहाँ पे अपने गाजर डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं गाजर को पानी सुखाऊँगी। जी देखें अभी ये मेरा पानी गाजर का अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, ज़रा सा भी पानी ना रहे, ये देखें अच्छी तरीके से कितने सारे गाजर थे और अभी ये कितने भुनने के बाद कितना सा हो गया, ये देखें। ठीक है, अब मैं इसमें बिस्मिल्लाह करके घी डालने शुरू करूँगी। घी मैंने 1 प्याली देसी घी लिया हुआ है, वो तो आप जो भी ले लें। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ी सी इलायची डालूंगी, छोटी इलायची पाउडर, बाकी हम ऊपर से डालेंगे खुशबू के लिए। और फिर इसके बाद हम थोड़ा घी पकेगा, थोड़ा मतलब आएगा, इसके बाद मैं चीनी डाल दूंगी, ये देखें। साथ ही मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, चीनी आपके टेस्ट के मुताबिक है, जितनी आप पसंद खाएं खाना। इसके बाद हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि चीनी का पानी है, चीनी पानी छूटती है, तो इसके बाद थोड़ा सा इसको पकाएंगे। अब मैंने इसमें चीनी डाल दी है, अब चीनी का पानी जैसे खुश्क होगा तो फिर इसमें हम पाउडर मिल्क डालेंगे, ज़ाफ़रानी एसेंस डालेंगे, वापस इलायची पाउडर डालूंगी, और फिर आपके पास अगर मेरे पास खोया अवेलेबल नहीं है तो मैं पाउडर मिल्क डाल दूँगी खोए की जगह पर, तो आपकी चॉइस पर है आप जो। जी देखिए मेरा अच्छा सा हलवा तैयार हो चुका है, अच्छा सा ये देखें कितना अच्छी तरीके से इसकी बुनाई, चीनी वीनी सब मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं इसमें घी भी अच्छा इतना डाला है मैंने, आपको नज़र आ रहा होगा, ज़्यादा घी लोग पसंद भी नहीं करते खाना, तो मैंने इतना डाला है जैसे हलवे का जायका, बस हलवा अच्छा बन सके। अच्छा अब मैं इसमें पाउडर मिल्क डाल रही हूँ, ये जितना सारा मैंने पाउडर मिल्क लिया है 1.5 पाव, ये सारा हम इसमें डालें। बस पाउडर मिल्क डाल के और इसको हल्का सा बस मैं दम पे रख दूंगी और ये मेरा हलवा तैयार हो चुका है। ऊपर से चाहें तो आप खोया, अखरोट, जो भी नट्स हैं वो सारे आप डाल सकते हैं। ये मेरा हलवा तैयार हो गया है। अच्छा मैंने इसमें थोड़े किशमिश भी डाले हैं अंदर, और आप लोग जितना मेवा डालेंगे उतना अच्छा बनेगा। अच्छा इसमें खुशबू के लिए थोड़ा सा मैंने ज़ाफ़रानी एसेंस दिया हुआ है, ये मैं डालूंगी इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू हो जाएगी। और इलायची पाउडर बस मुझे अभी डालना है जब मैं डिश आउट करूंगी, और ये मेरा हलवा तैयार हो गया। जी व्यूअर देखें मैंने ये गाजर का हलवा मेरा तैयार हो चुका है, आप इस रेसिपी को घर में ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे इसका फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज़।